तो भाई ये दिन ना हमारा रात से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हुआ क्या है कि मैंने जैसा बताया था आप लोगों को, अपनी स्विफ्ट के अंदर दिक्कत आ रही है बैटरी को लेके, तो वो दिक्कत जो है अब बड़ी हो चुकी है, अब गाड़ी हो रही है स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि यार बैटरी आज 4-5 महीने पहले डाली थी, अगर बैटरी की दिक्कत होगी तो यार बैटरी का कार्ड भी मेरे को नहीं मिल रहा है, तो कोई नई बैटरी डालना इज नॉट अ इशू, बट इशू ये है कि उसका सेल्फ में इशू ना हो, बस गाड़ी के सेल्फ ख़राब ना हुआ हो, क्योंकि अरे अरे क्योंकि बैटरी वाटर में मैंने बैटरी वाटर भी डाला था आप लोगों के सामने, ठीक है। अभी मैंने तरुण भैया से ना टोचन वायर लिए, टोचन वायर इज ये कनेक्टिंग वायर, मतलब कि जिससे कि आप जो है गाड़ी टू गाड़ी जो है कनेक्शन देके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो अभी हम करना है प्रोसेस आगे, पहले हम घर पहुँचते हैं, उसके बाद उसी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ। उसके बाद तरुण भैया को वायर देने भी आऊँगा और देख भी लेंगे कि ये गाड़ी की बैटरी ख़राब है कि वो ख़राब है, मतलब कुछ एक आध टेक्निक है, ये ट्रिक है, एक आध ट्रिक है जिससे कि आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी गाड़ी की बैटरी ख़राब है या सेल। तो ये भाई यहाँ पे अब इस गाड़ी को हम करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, आगे करो, गाड़ी थोड़ी सी आगे करवाएंगे ताकि जो है काम इजीली हो जाए हमारा, ठीक है। बढ़िया गाड़ी आगे, छोड़ कोई बात नहीं, शीशा नीचे कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ना शीशा उसकी गाड़ी लॉक भी होती है। तो ये दोनों सौदा यहाँ पे करेंगे अभी हम, इस बैटरी पे कनेक्शन लगाएंगे और उसको करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इसी की बैटरी गई है पूरी तरह ख़त्म, ठीक है भैया। चलो क्या दिक्कत क्या लग रही है, सुन रेड वाइट एक एक प्लस प्लस एक एक वाइट में से क्या हुआ नहीं आ रही, ऐसे लगानी पड़ेगी और गाड़ी पास, गाड़ी और पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लगाएंगे अब आपस में इसका कनेक्शन इसमें गहरा करने के लिए, ये नकली लोग ये, चलो ठीक है करते हैं। कर मनु सुन, प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में, ठीक है। ये जो ये वाला कनेक्शन है ये प्लस वाला है, ठीक है। व्हाइट वाले को रेड वाले को रख प्लस में, ठीक है, और ब्लैक वाले को माइनस में लगाएंगे, ठीक है। गुड़िया ला गुड़िया, रस्सी कूद ले इधर ला, जाओ तू अंदर से गाड़ी स्टार्ट करना जब बोलूँगा तो, और लंबा सेल्फ मारना इतना लगेगा। अरे दूसरा छोड़ के उससे करना, पहले इसको छोड़ दे नीचे पहले, हाँ उसको लगा पहले ढंग से, बैटरी पे कनेक्ट कर, हाँ लगा लगा लगा, वेरी गुड। अब इसको लगा उधर ब्लैक वाली को लगा, शकल देख रहा है कि मतलब मेरे को काम बता रहा है, ये नहीं देख रहा गाड़ी काम करवा रहा है, लोग ही नकली गंदे लोग हैं सब। इन्होंने अब ये इस वाले में लगा, पॉजिटिव पे लगा, प्लस को प्लस में लगाना है, माइनस को माइनस में, हाँ अभी रुक जा गुड़िया, प्लस प्लस में आया ना पक्का, हाँ ठीक है। अब इसको इस पे लगाओ, कहीं भी नहीं उस पे लगा, प्लस पे भाई कहीं मतलब पूरे तो हाँ हाँ वो ठीक है वो लगा, हाँ ठीक है। अब मैं मुनु इस गाड़ी में बैठ, थोड़ा सा एग्जॉस्ट दबा के रखियो, जा मैं इधर से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये हल्का बैठ जा अंदर, हल्का सा पैडल दबाइयो हल्का सा ऊपर, ठीक है दबाओ, दबा के रख दबा के, अबे भाई इतना तेज नहीं, हल्का, हाँ आरपीएम ना थोड़ा सा बढ़ा के रखियो गुड़िया, हाँ चा भाई गियर पे तो नहीं है देख, न्यूट्रल में नहीं तो अपनी आपस में ठुक जाएगी, न्यूट्रल है ना, हाँ ठीक है कर स्टार्ट, करो स्टार्ट करो, लंबा सेल्फ मारो, अरे एक्सीलेट करना है, ठीक है हाँ करो करो करो, हो गया हो गई गाड़ी स्टार्ट, भाई गाड़ी तो हो गई स्टार्ट, एक दो बार रेस देते भैया, काम हो गया कत्ते सपना बड़ी, गाड़ी बंद मत करिए स्टार्ट रहने दे, गाड़ी स्टार्ट हो गई है अपनी, चलो इस गाड़ी को मैं अपनी जगह पे लगाऊंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा आगे, गाड़ी हो गई अपनी पार, पर वो वाली गाड़ी बड़ी पास में लगी है और पत्थर पे चढ़ा के, ठीक है अब हम इस गाड़ी को लेके जाएंगे आगे, भाई बाहर निकल, भाई बाहर निकल, अब हम पहुँच रहे हैं तरुण भैया के पास, जा रहा हूँ जरा मैं, वायर रिटर्न करनी है और गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है बट चलाने में डर लग रहा है, कहीं अगर बंद हो गई ना मेरे से गलती से तो ये गाड़ी धक्का लगवाएगी हैवी ट्रैफिक के बीच में, बिल्कुल। चलो भाई यहाँ पे ना हम तरुण भैया के पास आ गए, ठीक है वायर मैंने वापस कर दिया, गाड़ी अपनी स्टार्टअप है मारुति की ना, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, ये मारुति की सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या, ये गाड़ी कम से कम 1 लाख से ऊपर चल चुकी है और ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, यहाँ आवाज़ आ रही है यहाँ से पता भी नहीं चल रहा, और गाड़ी के अंदर आओ कहीं से 1% का पता नहीं चल रहा है गाड़ी स्टार्ट है, ये देखो भाई गाड़ी स्टार्ट है, ये देख लो सीट बेल्ट की चल रही है,
और अगर इंजन के पास ले जाऊंगा ना तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, हल्की फुल्की वो भी। ये देखो, अदरवाइज आप गाड़ी को बता ही नहीं सकते, कहीं से भी गाड़ी जो है स्टार्ट है अपनी। एक बार भैया आ जाए फ्री होके, फिर एक बार गाड़ी चेक करेंगे, फिर देखते क्या दिक्कत है इसमें। इतना काम होगा जिसे मैं कर रहा था, ठीक है। गाड़ी भैया ने यहाँ पे जो है स्टार्ट कर ली, बंद कर ली। अभी तो भैया आराम से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बंद भी हो रही है, ठीक है। मेन दिक्कत मे भी क्या पता मॉर्निंग में है ना भैया, क्या बोलते हो, सुबह दिक्कत आएगी क्या? सुबह दिक्कत आ सकती है क्या? सुबह नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना आपके हिसाब से? ठीक स्टार्ट हो रही है, मैंने चला के देख लिया, 10 बार ऑन ऑफ करके भी देख लिया, लंबा ले रही है ना, वही यही हुआ था, धीरे धीरे लंबा होता जा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार दोबारा करना स्टार्ट जरा होगी एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो डाउट है भैया इस गाड़ी पे, मैं तो कभी ना जाऊँ ऐसी गाड़ी जिसका हार ना हाथ ना पैर, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए खड़ी करोगे तो ख़राब भी हो सकती है, मतलब बंद हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसा। कल एक बार इसको टेस्ट भी करवा लेंगे, अभी देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा वो ले रही है ना, लैग ले रही है, स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन गाड़ी भी कैसी से चलने में? गाड़ी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, तेर की तरह उड़ती जा रही है और चल भी गई है, जबकि अपनी 116,000 चल चुकी है। देखो ये देखो 116,800 और चल चुकी है, उसके बाद भी साइलेंट है ना पूरी गाड़ी, पूरी साइलेंट है बिल्कुल, चलने में ही बहुत बढ़िया है, लेकिन बैटरी का इशू आ रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है ना, लेकिन अभी देखते हैं सुबह क्या दिक्कत देती है। चलो अभी आप लोग सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। भाई मीन्स मॉल से निकल गया मैं घर के लिए, और अब जो होगा ना आगे इस गाड़ी की बैटरी का, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता हूँ कि इस गाड़ी की बैटरी बची है कि नहीं है। मतलब ये चार महीने होंगे, 4 से 5 महीने मुश्किल से इस गाड़ी के अंदर बैटरी डाले हुए, क्योंकि जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ था उसके आसपास ही मैंने डाली थी, तो ये लगा लो कि यार बड़ी दिक्कत है यार। मतलब गुड़गांव आए हुए तो हो गया टाइम, लेकिन स्टिल मैंने बैटरी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ डाले हुए, और एमरॉन की बैटरी यार, कोई अच्छी लोकल वोकल तो है नहीं ब्रांड, डिसअपॉइंटमेंट। और ये नहीं यार, सच बताऊँ ये बैटरी वाली दिक्कत बड़ी होती है, हम कंपनी भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साल पागल बनाते हैं सब, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है सही बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ जाए वहाँ जाए, चलो ठीक है टाइम निकालेंगे, देखेंगे कोशिश करके देखेंगे कहीं पे अगर हमको एमरॉन का डीलर मिले और जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे, मतलब हमको नई बैटरी दिला दे अगर इस बैटरी में इशू है तो। ऑल दो गाड़ी काफ़ी देर से स्टार्ट थी, लगा लो ऑलमोस्ट 1 घंटा स्टार्ट थी, उसके बाद 7-8 किलोमीटर चली है, अब फिर दोबारा मैंने निकाली है, तो यहाँ से मेरा अगर 7-8 किलोमीटर ही है तो और इतनी चलेगी, इतनी चलने के बाद मेरे ख्याल से दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि स्टिल दिक्कत आएगी सुबह। क्या बोलते हो, कमेंट करना जरा, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आप लोग भी जरा एक बार।